हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन के पार्ट चार को देखेंगे। इसके पीछे भी हमने तीन वीडियो इसका अपलोड किया है, अगर आपने उन तीनों वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले पार्ट चार के थ्योरी को देखते हैं, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। थ्योरी यह है आपका कि सबसे पहले हम लोग 9 से गुणा करने का तरीका सीखेंगे। 9 से कहने का मतलब कि 9 से 99 से 999 से 9999 से, क्योंकि इसी के ऊपर आधारित आज का क्वेश्चन है। जैसे देखिए यहाँ पे इस संख्या में हमें 99 करना है, मतलब 2 9 से गुना करना है। यहाँ पे इस संख्या में हमें 3 9 से गुना करना है। तो इसका तरीका हम लोग सीखेंगे कि कैसे देख के हम गुणनफल बता सके, ताकि आगे जो क्वेश्चन है ना देख सकते हैं इसी पे आधारित है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आगे आपको मिलेगा जो आपका 9 के गुना पे आधारित है। तो गुणा करने का तरीका आपके पास होगा, तभी आप जो है ना आसानी से इसका आंसर निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, 8 में गुणा करना है 99 से। तरीका देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या क्या है। तो संख्या हमारा 8 है और इसमें 2 9 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम उस संख्या को लिखेंगे जिसमें 9 से गुणा करना है। तो 8 में 9 से गुणा करना है, तो पहले हम लिखेंगे 8। अब इसके ऊपर उतना 0 डालेंगे ना जितना 9 से इसमें गुणा करना है। तो इसमें 2 9 से गुना करना है, तो इसके ऊपर हम डालेंगे 2 0। जितना 9 से गुना करना होगा उतना 0। और एक काम और करना है, जिसके ऊपर आपने 0 डाला है, ध्यान रहे 0 आपने किसके ऊपर डाला है, 8 के ऊपर, उसी को इसमें से घटा लीजिए। जिसके ऊपर आपने 0 डाला है उसी को इसमें से आप हटा लीजिए, यानी कि घटा लीजिए। तो 800 में से 8 माइनस करिएगा तो 792 हो जाएगा, जो देख के आप बता सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे देखिए अगला क्या है, 8 में देखिए गुना करना है 999 से। तो जिस संख्या में 9 से गुना करना होगा उसको लिखिए। यहाँ 8 है, कोई जरूरी नहीं कि 8 रहेगा, 898 597 कोई भी संख्या हो सकता है। तो जिसमें भी 9 से गुना करना होगा पहले उसको लिखेंगे। और इसके ऊपर उतना 0 डालना है जितने 9 से गुना, तो इस बार 3 9 से गुना करना है, देख लीजिए। तो 3 0 डालेंगे। और अंतिम में एक काम और करना है, जिसके ऊपर आपने 0 डाला है ना उसी को इसमें से हटा लेना है। तो 8000 में से कितना माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने 0 8 के ऊपर डाला था। तो 8000 में से 8 माइनस करिएगा तो 7992 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, 8 में हमें 4 9 से गुना करना है। तो इस बार 8 के ऊपर कितना 0 डालेंगे, 4 0 रहेगा। ठीक है, और एक काम क्या करना होता है आखिरी में, जिसके ऊपर आपने 0 डाला है उसको इसमें से घटा लीजिए। तो 80000 है, 80000 में से 8 घटाएंगे तो 79000 में से 8 घटाएंगे तो 79000 तो पूरा होगा। आखिरी के 1000 में से 8 घटाएंगे तो 992, यानी 79992 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 498 में इस संख्या में 999 से गुना करना है। तो जिसमें भी 9 वाला से गुना करना होगा उसको तो आप पहले लिखिएगा, तो पहले हम 498 लिखिए। इसमें 999 से गुना करना है, तो इसके ऊपर कितना 0 डालेंगे, हम 000 डालेंगे। और अंत में क्या कम करना होता है, जिसके ऊपर आपने 0 डाला है उसको इसमें से घटा लीजिए। तो इसमें से हम कितना घटा लेंगे, 498 घटा लेंगे। हमने 0 498 के ऊपर डाला है तो 498 घटा लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यह हमने आपको बताया 9 से गुना करने का तरीका। कुछ और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने आपसे कहा कि आप 7 में गुना करके बताइए 999 से क्या आएगा, आप देख के बता पाओगे कि आंसर क्या होगा। 7 में 3 9 से गुना करना है, तो 7 के ऊपर 3 0, तो 7 के ऊपर 3 0 यानी कि 7000। और 7000 में से फिर 7 माइनस करिएगा, क्योंकि जिसके ऊपर 0 डालिएगा उसी को माइनस करिएगा ना। तो 7000 में से 7 माइनस करिएगा तो 6993 होगा। ठीक है, अगर हम बात करें उसी तरह से, 5 में अगर 999 से गुना किया जाए तो वैल्यू क्या आएगा, तो 5 पे हम कितना 0 डालेंगे, 3 0 डालेंगे। तो 5 पे 3 0 अगर डालिएगा तो 5000 हो जाएगा। और 5000 में से कितना माइनस करेंगे, 5। तो जब आप 5000 में से 5 माइनस करिएगा तो 4995 हो जाएगा। तो बिल्कुल आप देख के इसका गुना बता सकते हैं, कोई मुश्किल काम है नहीं। ठीक है, अगला देखिए, अगला जो एक थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका 99 × 999। अब इसका गुणनफल बताइए कि क्या होगा, क्योंकि इसमें तो दोनों 9 वाला है, दोनों का दोनों 9 वाला है। तो हम यह कर सकते हैं कि या तो हम 99 में 999 से गुना कर दे, या 999 में 99 से गुना कर दे, एक ही बात। 8 × 9 लिखा रहे तो हम 9 × 8 कर दे, या 8 × 9 कर दे, दोनों एक ही बात है। लेकिन हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि ज़्यादा आसान क्या है। तो पहले देखिए, हम इसको संख्या मान लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, संख्या मानेंगे।
और इसमें 999 से गुणा करना है। तो जिसको संख्या माने है उसको तो आप लिख लीजिए पहले, 99 को लिख लिए। अब इसमें 999 से गुणा करना है तो इसके ऊपर कितना जीरो डालेंगे हम, 000 डालेंगे। देखो वही चीज है आपका, लेकिन ताकि इस बार दोनों 9 वाला है इसलिए दोनों में से किसी एक को संख्या मानेंगे और दूसरा से हम गुणा करेंगे। तो इसको संख्या माने और इसमें 999 से गुणा किए तो इसके ऊपर 000 होगा, और एक काम और करना होगा, जिसके ऊपर आपने जीरो डाला है उसको इसमें से घटा लीजिए। ठीक है, तो हम इसमें से किसको माइनस करेंगे, जीरो देख लीजिए किसके ऊपर है, जीरो 99 के ऊपर है, तो हम इसमें से माइनस करेंगे 99। और इसका बहुत ही ज्यादा हम लोग उपयोग करेंगे, घटाइए मत, यहीं से हमारा काम चल जाएगा, इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग हम लोग करेंगे। आगे देख लीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जब बताएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होगा। अच्छा मान लीजिए कि ऐसे लिखा हुआ है 99 × 999, तो इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, इसी को हम संख्या मान ले, इसको अगर हम संख्या मान ले तो क्या दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको संख्या मान लिए तो इसको पूरा लिखिए आप, तो 999 पूरा लिखेंगे, और इसमें कितना 9 से गुना हो रहा है, 2 9 से, तो इसके ऊपर 2 जीरो डालिए, और माइनस कितना करिएगा इस बार, इस बार माइनस हम लोग 99 नहीं करेंगे, जीरो किसके ऊपर डाले हैं, 999 के ऊपर, तो माइनस क्या करेंगे हम, 999 करेंगे। तो दोनों वैल्यू इक्वल आएगा, दोनों वैल्यू आपका इक्वल आएगा, क्योंकि 99 × 999 करे है ना, या 999 × 99 करे, एक ही बात है, मान में कोई अंतर नहीं आता है। लेकिन ज्यादा आसान हमारे लिए देखिए कौन था, जितना ज्यादा हम जीरो डालेंगे ना वो हमारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब है कि इस चीज को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे जो आपने लिखा, हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, तब ज्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। हम इसको ऐसे अगर लिख दे 999 × 99, अब आपको लगेगा कि बिल्कुल सही है, 999 पर 2 जीरो माइनस 999, बट इस दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, हम 99 × 999 करें या 999 × 99 करें, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो हमें बस यह बताना था कि ज्यादा आसान हमारे लिए कौन है, तो ज्यादा आसान यह है, जितना ज्यादा 9 से गुना करना होगा वो हमारे लिए आसान है, इसलिए 999 × 99 भी रहेगा ना, तो हम छोटा वाला को संख्या मानेंगे और उसमें बड़ा वाला से गुना करेंगे। हमेशा क्या करेंगे, छोटा वाला को संख्या मानेंगे और उसमें गुना करेंगे बड़ा वाला से, यानी 999 × 99 के लिए भी क्या लिखेंगे, 99 पर 000, 99 पर कितना जीरो, 000, और माइनस का 99। क्लियर है ना, क्लियर है। अगर पुनः देखिए, इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, 99 × 999 का पुनः वैल्यू बताइए क्या होगा, 99 पे कितना जीरो, 000, और माइनस कितना, 99। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन से पहले एक चीज और हम समझा दे आपको, जैसे इस तरीके से कभी कभी वैल्यू लिखा रहता है, 9.15। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू लिखा रहता है, तो इसके बदले हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 और पूर्णांक का मतलब प्लस होता है 1/5, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। आप इसका मान निकालिए फिर इसका मान निकालिए, दोनों इक्वल आएगा। पूर्णांक तोड़िए, 9.545 × 46/5, भिन्न का जोड़ करिए, 9.545 × 46/5। तो पूर्णांक का मतलब क्या होता है, वास्तव में प्लस होता है। अब आगे अगर इस तरीके से रहे, 9.15, अगर इसमें गुना किया जाए 5 से, इसमें कितना से गुना किया जाए, 5 से, तो वैल्यू क्या आएगा, तो समझिएगा, इस 5 से हमें किस में गुना करना है, इस पूरे संख्या में, या पूरा मिला के तो एक ही संख्या है, दो अलग अलग संख्या तो है नहीं, एक ही संख्या है, बट इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9+1/5 लिख सकते हैं ना जी, क्या लिख सकते हैं इसके लिए, हम इसके लिए लिख सकते हैं 9+1/5, 9.15 को इतना लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके लिए हम इतना लिख सकते हैं, और इसी में गुना करना है कितना से, 5 से गुना करना है। देखो इस संख्या को थोड़ा सा हम विस्तार फॉर्म में लिख दिए, तो इतना तो लिख सकते हैं, और इस 5 से इस पूरे संख्या में, तो अब यह पूरा मिला के संख्या है, मतलब कि पूरे संख्या में आप गुना करिए 5 से। अब 5 से आपको कहाँ गुना करना पड़ेगा, इसमें भी और इसमें भी, तो गुना करिए 5 से पहले 9 में गुना करिएगा, तो 9.545 प्लस है तो प्लस, और 1/5 में 5 से गुना करिएगा तो 1 आ जाएगा। देखो ना आप, 1/5 में अगर आप 5 से गुना करिएगा तो 5 से 5 कटेगा, क्या बनेगा, 1, तो 5 से 9 में तो 9.545 पूर्णांक के जगह प्लस, 1/5 में 5 से गुना करिएगा तो 1, यानी 45 और 1 कितना आ गया, 46। इसको हम सीधे कर सकते हैं, सीधे देखिए कैसे करेंगे, पहले जिससे भी गुना करना होगा उससे एक बार पूर्णांक में, तो 9.545 और पूर्णांक के जगह क्या दे देना है, प्लस, 5 से पहले गुना कर लिए पूर्णांक में और पूर्णांक के जगह प्लस, और 1/5 में 5 से गुना करेंगे तो 1, 45 और 1 कितना हो गया, 46 हो गया। सिमिलरली एक चीज और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और, 7.1/3 में
अगर हम 3 से गुना करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा। तो 3 से हम पहले कहाँ गुना करेंगे, पूर्णांक वाले गुना में। 3 से पहले गुना करेंगे पूर्णांक में, तो 3 सते 21, पूर्णांक की जगह प्लस, और 3 से 1 बट्टा फिर इस संख्या से हम भिन्न में, तो 3 से 1 बट्टा 3 में गुना करेंगे तो 1, 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन से पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन है 999 पूर्णांक 995 बट्टा 999 गुना 999। ठीक है, इसका हमें वैल्यू बताना है। गौर से देखिएगा, ये जो आपका 999 है इससे हमें गुना करना है, इसी से गुना करना है और इस पूरे संख्या में गुना करना है, और यह संख्या पूर्णांक और भिन्न के रूप में है। तो पहले हम इससे गुना करेंगे पूर्णांक में, और फिर पूर्णांक की जगह क्या लिखेंगे, प्लस, और फिर उसके बाद भिन्न भाग में गुना। पहले पूर्णांक भाग में गुना, पूर्णांक की जगह लिखेंगे प्लस, और फिर उसके बाद में गुना। यही तो सीखे हैं आप। तो जब आप 999 से 999 में गुना करिएगा तो 999 के ऊपर कितना जीरो जाएगा, 3 जीरो, और माइनस माइनस 999 हो जाएगा। यही तो होगा ना, इससे 999 है ना, इसमें 999 से यानी 999 से गुना, तो 000, और जिसके ऊपर जीरो डाले उसको हटाइएगा। तो यह वैल्यू किसका आया है, इतना गुने इसका। अब तो पूर्णांक है तो पूर्णांक की जगह क्या लिखोगे आप, प्लस लिखोगे। उसके बाद अब भिन्न भाग में गुना, तो जब आप इससे इसमें गुना करिएगा तो आपके पास बचेगा मात्र 995। देख लीजिए, भिन्न में गुना करिए, इससे यह कैंसिल होगा ना, जब आप इससे केवल इसमें गुना करिएगा तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल 995 बचेगा। अभी आपने सीखा था, क्या सीखा था, कि इससे पहले पूर्णांक में गुना, पूर्णांक की जगह प्लस, फिर इससे भिन्न में गुना। तो जब इससे इसमें गुना करिएगा तो वैल्यू इतना आएगा, पूरा इतना, और पूर्णांक की जगह हम प्लस लिखेंगे, जब इससे इसमें गुना करिएगा तो मान इतना आएगा। अब छोटे संख्याओं का क्रिया पहले करिए, तो 999 995 यह दोनों छोटा संख्या है, तो इसका क्रिया पहले, एक माइनस में एक प्लस में, तो घटेगा, 999 से 95 घटाइए 4, और चिन्ह बड़ा वाला का यानी कि माइनस का, इस दोनों में से बड़ा चिन्ह, बड़ा तो 999 है तो इसी का चिन्ह होगा, बाकी आपका जो है उसको रहने दीजिए, 999 पर 000 है। अब घटा लीजिए, जो घटा के मान आएगा वही आंसर होगा, 10 में से 4 माइनस करिएगा कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, बाकी यह आपका कितना बचेगा, 9 9 9 9, और हासिल पूरा यहाँ से गया है तो 8, और बाकी 9 9 रह जाएगा, 8 9 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यह पहला क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, यह पार्ट तो आपका अलग है, 1/5, तो 1/5 का मान निकालिए कितना हो जाएगा, 0.2 होगा, 1/5 का मान निकालना है, दशमलव देंगे ऊपर 0, 5 दुना 10, 0.2 हो गया। प्लस अगले पार्ट को देखिए, इस पार्ट का कैलकुलेशन, यह पार्ट अलग है, 99 से पहले गुना करिए पूर्णांक में, तो 99 से गुना करना है 999 में, तो 99 के ऊपर 000 माइनस 99 होगा, और यही होगा ना, जब हम इस दोनों का गुना करेंगे तो इसको संख्या मानेंगे, इसमें 999 से गुना, तो 99 के ऊपर 000 माइनस 99 हो गया, यह क्या हो गया आपका, इस दोनों का गुणनफल। ठीक है, अब आगे इसमें पूर्णांक है, तो पूर्णांक की जगह हम लिखेंगे प्लस, फिर अब भिन्न भाग में गुना करिए, तो भिन्न भाग को यहाँ लिखते हैं हम, 494 बट्टा 495। ठीक है, यही तो है ना भिन्न भाग, इंटू 99, पहले इससे हम पूर्णांक में गुना कर लिए तो इतना आया, भिन्न को हम यहाँ पे कर लिए। अब इसको काटिए, जब आप इसको काटिएगा तो पहले 11 से फिर 5 से काटिएगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 99 5 4 95, और 5 से इसको काटिएगा तो 5 9 45 4 5 8 40 4 बचा, पॉइंट डालेंगे तो उसके ऊपर 0 5 8 40 यानी 98.8, कितना बचा आपका, 98.8 बचा। ठीक है, चलिए समझिएगा क्या किए हैं, 1/5 अलग है तो इसका वैल्यू अलग लिखिए, बाकी यह गुना में इससे इसमें गुना करेंगे वैल्यू इतना आ जाएगा, आएगा ना जी, वैल्यू तो यही आएगा आपका, जब हम इससे गुना करेंगे तो इतना वैल्यू आया, यह वैल्यू किसका आया है, 99 × 999 का, पूर्णांक के जगह प्लस। अब जब भिन्न में गुना करें तो 99 5 4 95, और 5 से इसको काटेंगे तो 98.8, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि छोटे संख्याओं का क्रिया पहले करिए, तो इसको चेक करिए, 98.8 और 0.2 यह दोनों प्लस में है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 99 हो जाएगा, यह 99 से 0.2 कम है और यहाँ 0.2 है, तो दोनों को जोड़िए, प्लस 99 होगा, प्लस 99 से माइनस 99 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा आपके पास, केवल बचा 99,000, तो यही 99,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है आपका,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, तो इसको यहाँ भी आपका पूर्णांक वाला जोड़ है, तो आप पूर्णांक को एक साथ जोड़िए, भिन्न को एक साथ जोड़िए, तो जब पूर्णांक को एक साथ जोड़िएगा तो इसका गुणनफल हो, योगफल हो जाएगा 1234। पूर्णांक को जोड़िए ना एक साथ, एक है उसके बाद 11 है उसके बाद 111 है उसके बाद 1111 है, 4321 ऐसे ही तो जोड़िएगा, तो 1234 है ना, 1234 उसके बाद दहाई को जोड़िए 1 2 3, ठीक है, सॉरी दहाई को जोड़िएगा तो दहाई केवल हाँ 1 2 3 हो जाएगा, उसके बाद दहाई खत्म, सैकड़ा को जोड़िए 1 2 और उसके बाद हजार को जोड़िए तो 1 1234। पूर्णांक को जोड़ना है 1 को 11 को 111 को 1111 को। अब भिन्न भाग को जोड़िए, पहले क्या करना है पूर्णांक को जोड़ना है उसके बाद भिन्न भाग को, तो इसमें भिन्न कितना बचा 1/2, इसमें 1/2, इसमें 1/2, इसमें 1/2, तो 1/2 का मतलब आधा, तो आधा आधा कितना बार आया है, आधा आधा एक, आधा आधा एक, यानी कि कुल मिला के एक्स्ट्रा कितना है 2, तो 1234 + 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1236। बस आपको पूर्णांक को एक साथ जोड़ना है और भिन्न को एक साथ, आधा आधा भिन्न 4 बार आया है, ठीक है, तो आधा आधा 4 बार आया मतलब कि 2, या ऊपर वाला जोड़ लीजिए ना 1 2 3 4 4/2 यानी कि 2, तो पूर्णांक का योग 1234, भिन्न का योग 2, 1234 + 2 इज इक्वल टू 1236। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पुनः सेम क्वेश्चन। हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 99 से हम गुना करेंगे 999 में, तो बता दो वैल्यू क्या आएगा, 99 पर कितना 0000 और माइनस कितना -99। ध्यान रहे जिसके ऊपर 0 डालिएगा उसी को इसमें से घटाइएगा, यह वैल्यू किसका आया है, यह वैल्यू आया है इतना गुने इसका। अब पूर्णांक के जगह आप क्या लिखोगे प्लस, जब आपने इसमें इससे गुना कर लिया तो वैल्यू इतना आया, बताया था तरीका कि जितना 9 से गुना करना होगा उतना 0 और जिसके ऊपर 0 डालिएगा उसको इसमें से घटा लीजिएगा, यह आया। अब पूर्णांक के जगह प्लस, अब इससे जब भिन्न में गुना करिएगा तो 99 से 99 कैंसिल होगा, क्या बचेगा आपका 98 बचेगा, ठीक है, इससे यह कैंसिल 98 बचेगा। अब कर लीजिए सॉल्यूशन, छोटे संख्याओं का क्रिया एक साथ, 98 प्लस में 99 माइनस में 1 प्लस में, तो घटेगा चिन्ह बड़ा वाला का यानी कि माइनस, और बाकी का जो है उसको तो रहने ही दीजिए, 99 1000 है। अब माइनस करिए 1, 10 में से 1 माइनस करिएगा 9, यह भी आपका हो जाएगा 9, यह भी आपका हो जाएगा 9, यहाँ से हासिल गया है तो यह 8 और यह आपका 9, यानी 98 999 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, और इस क्वेश्चन में देखिए आंसर आपका पूर्णांक के रूप में ही दिया है, तो पूर्णांक के रूप में ही हम आंसर लाएंगे। 7 से पहले कहाँ गुना करेंगे पूर्णांक में, तो 7 से 999 में गुना, यानी 7 पर कितना 0 3 0, तो 7000, 7 पर 3 0 यानी 7000, और 7 माइनस करेंगे तो 6993, यही तो होगा ना 6993, यह किसका वैल्यू आ जाएगा, यह वैल्यू आ जाएगा 7 × 999 का, 7 पर 3 0 माइनस 7, 7000 में से 7 माइनस करेंगे 6993। पूर्णांक के जगह क्या लिखोगे आप प्लस। अब भिन्न भाग में गुना, तो 7 से देखिए इसमें तो गुना होगा नहीं है ना, 7 से तो यह कटेगा नहीं, तो ऊपर से ऊपर, तो 7 से 999 में गुना करिएगा तो फिर से 6993 आ जाएगा, और बट्टा वाला जो है उसको अपनी जगह पर रहने दीजिए, तो बट्टा में 1000 है तो 1000। 7 से जब हम इसमें गुना करेंगे तो 7 पर 000 माइनस 7 यानी 7000 माइनस 7 6993, पूर्णांक के जगह प्लस। जब 7 से भिन्न भाग में गुना करिएगा तो कोई कटेगा नहीं, तो ऊपर वाला का गुना ऊपर वाले के साथ, तो 7 से फिर 999 गुना तो 6993 और बट्टा में 1000 है तो रहेगा। अब आगे देख लीजिए 6993 यह तो आपका है ही प्लस, यहाँ पे देखिए 1000 का पहाड़ा, इसको काटने के लिए कितना बार पढ़ सकते हैं 6 बार, 1000 × 6 = 6000, 1000 × 7 ज्यादा हो जाएगा, कितना बार पढ़ चुके हैं आप 6 बार, तो पूर्णांक में 6 आ जाएगा, तो 1000 × 6 = 6000, शेष कितना बच जाता है ऊपर 993, तो शेष 993 लिख लीजिए, ठीक है। यह भी पूर्णांक, यह भी पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक का मतलब प्लस होता है, तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 6993 में 6 ऐड करिएगा तो 6999 हो जाएगा, इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो, ठीक है, यह भी पूर्णांक, यह भी पूर्णांक, तो यहाँ छोड़ दीजिए, पूर्णांक 993 बट्टा 1000। एक स्टेप और हम लिखते तो क्या लिखते, 6993 प्लस 6999 प्लस, तो प्लस का मतलब तो पूर्णांक ही होता है, तो पूर्णांक के रूप में सीधे दे दिए, यानी 6999 पूर्णांक 993 बट्टा 1000, यही आपका आंसर होगा, यानी आंसर हो गया आपके क्वेश्चन का विकल्प डी। बस वही मेथड जो 9 से गुणा करने का आपने सीखा था उसी पे आधारित यह सब क्वेश्चन है। अगला देख लीजिए क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ लोग क्या करता है कि इसमें कॉमन ले लेता है,
अगर आप कॉमन लीजिएगा तो आपका डाटा गलत हो जाएगा, हिसाब गलत हो जाएगा। कैसे देखिए, अगर हम आपसे कहे कि 2.1/2 में 2.1/2 जोड़ना है तो वास्तव में यह कितना है, 2.5 और 2.5 है, तो इसका योगफल क्या आ जाएगा, आना चाहिए 5। लेकिन इस दोनों में से 2 कॉमन ले लीजिए और अब जोड़िए, तो अब क्या बचेगा, यहाँ 1/2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2। अब जोड़ लीजिए आप, 2 × 0.5 + 0.5 = 1, 2 × 1 कितना आया, 2 आया। इसका योगफल आना कितना चाहिए था, 2.5 और 2.5 = 5, जबकि आया 2, 2 कॉमन लिए, तो कॉमन यहाँ वाला संख्या थोड़े आता है, या तो आपका पूर्णांक में है, जो गुना में होता है उसको ना कॉमन लेते हैं। जैसे इस तरह से 8x + 8 है, तो 8 गुना में है तब 8 कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बचेगा, x + 1 बचेगा, बल्कि जबकि यहाँ पे क्या है, आपका पूर्णांक है, तो पूर्णांक वाला संख्या कभी कॉमन नहीं ले सकते हैं, ध्यान रहे। कुछ लोग पूर्णांक कॉमन लेके भी सोचते हैं कि इसको हम बना लेंगे, तो पूर्णांक हम लोग कभी कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तो अब हम पूर्णांक को जोड़ेंगे एक साथ और भिन्न को एक साथ, बस यही तरीका है पूर्णांक वाले जोड़ का, पूर्णांक भाग को एक साथ, भिन्न भाग को एक साथ। तो पूर्णांक को निकालिए, 999 सबका पूर्णांक, +999 + 999 + 999 + 999 + 999 कितना बार है, 6 बार है। तो 999 को 6 बार जोड़ना है, तो इससे बेहतर है कि 999 में 6 से गुना कर लीजिए। किसी भी संख्या को 2 बार जोड़ना है तो 2 से गुना, 3 बार जोड़ना हो तो 3 से गुना, जैसे 8 + 8 + 8 24 होगा, 8 को 3 बार जोड़ना है तो 8 में आप 3 से गुना कर लीजिए, वही मान आएगा। 7 को 4 बार जोड़ना है, 7 + 7 + 7 + 7 है ना, तो 28 होगा, इससे बेहतर है कि 7 में 4 से गुना कर लीजिए। तो 999 कुल मिला के 6 बार आया है, तो 999 को 6 बार जोड़ेंगे, यानी हम सीधे कर लेते हैं 999 × 6। तो पूर्णांक भाग को एक साथ जोड़ लिए, प्लस अब भिन्न भाग को जोड़िए। अब पूर्णांक मत देखिए किसी का, इसको मत देखिए, इसको तो आप जोड़ लिए, अब भिन्न देखिए, यहाँ क्या है, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7 सबके बट्टा में 7 है, तो एलसीएम क्या होगा, 7, सबके बट्टा में 7 है तो एलसीएम तो 7 ही होगा ना, अगर भिन्न भाग को जोड़े, अगर ऐसे हम निकाले 1/7, 2/7 इस तरीके से निकाल ले, तो सबके बट्टा में 7 है तो एलसीएम 7, और चूंकि सबके बट्टा में 7 है इसलिए ऊपर वाला सीधे जुड़ेगा, तो 1 और 2 = 3, 3 = 6, 4 = 10, 5 = 15, 6 = 21, 21/7 हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है, पूर्णांक भाग को एक साथ, भिन्न भाग को एक साथ। अब इसका गुणनफल आप बता दीजिए, 6 × 3 = 0, 6000 - 6 = 5994, 5994, ठीक है, 6 में 999 से गुना, तो 6 × 3 = 6000 - 6 = 5994 + 21/7 कितना होगा, 3 काटेंगे ना, 7 + 21 3 होगा, तो 5994 में 3 जोड़िए, 5997 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल, अगर मेथड आपको पता है तो बहुत ही आराम से क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। 999 6 बार आया है, 999 को 6 बार जोड़ेंगे है ना, तो 999 × 6 यानी कि 5994, और 1, 2, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 6, 21, 21/7 करेंगे तो 3, यानी पूर्णांक को पहले अलग जोड़िए और भिन्न को अलग जोड़िए और फिर दोनों को जोड़ लीजिए। अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है, 99 कितना बार आया है, देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार, तो 99 × 6 = 594, 99 में 6 से गुना करेंगे तो 594 हो जाएगा, प्लस सबके बट्टा में 7 है तो ऊपर वाला को ऐड करिए, 21/7 यानी कि 3, तो 594 + 3 = 597। यही तो आप लिखोगे ना, पहले पूर्णांक को अलग जोड़ोगे, तो पूर्णांक 99 कितना बार आया है, 6 बार, तो 99 × 6, उसके बाद भिन्न, तो भिन्न के सबके बट्टा में 7 है, ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 21, 21/7 यह 3 हो जाएगा, और 6 × 2 = 6000, 6 × 2 = 600 - 6 = 594, 9 से गुना करने का तरीका तो हमने बताया है, 594 + 3 = 597, आप देख के बस आंसर कर सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 123 × 1/7 + 246 × 2/7 + 369 × 3/7 - 492 × 4/7, यानी यहाँ पे जोड़ है प्लस घटाव भी है, कुछ जगह प्लस है कुछ जगह माइनस है, लेकिन पूर्णांक वाला है, तो पूर्णांक वाला का तरीका यह कहता है कि पहले आप पूर्णांक भाग का क्रिया करिए फिर भिन्न भाग का, पूर्णांक भाग का क्रिया एक साथ, भिन्न भाग का क्रिया एक साथ, तो पूर्णांक को पहले लेते हैं, सबके इकाई पूर्णांक के इकाई अंक को देखिए, 3 × 6 = 9, 6 × 15, 15 में से 2 घटाएंगे 13, 13 × 3 = 1, आगे बढ़िए, 2 × 1 = 3, 3 × 4 = 7, 7 × 6 = 13, 13 × 9 - 4 कोई हासिल नहीं बचा। अब आखिरी सैकड़ा अंक का क्रिया, 1, 2, 3, 3, 6 और यहाँ माइनस है तो घटाएंगे ना, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2, 243 यह पूर्णांक का मान आया। अब भिन्न का,
तो सबका भी देखिए, सबके बट्टा में सात है तो ऊपर वाला का क्रिया करिए, एक और दो तीन, तीन छह में से चार माइनस करेंगे दो, यानी कि दो बट्टा सात, तो 243 पूर्णांक दो बट्टा सात, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले हम क्या करना है, पहले पूर्णांक भाग का क्रिया करना है, फिर भिन्न भाग का। जैसे पूर्णांक क्या था आपका 123, सबका पूर्णांक निकालिए, 123, 246, ठीक है, 369 अगर समझ में नहीं आया हो तो, और 492, यही तो था, बाकी सब प्लस में, यह वाला माइनस में, तो करिए क्रिया 3, 6, 9, 9, 18, 18, 3, अच्छा कहीं गलत लिखे हैं क्या, 6, 369 और 492, ठीक है, 3, 6, 9, 9, 18, 18 में से दो घटेगा 16, 16 के लिए 6 लिखेंगे, यहाँ पे गलती हो गया था, देख लीजिएगा, 16 के लिए क्या लिखेंगे हम, 16 के लिए यहाँ पे लिखेंगे 6, ठीक है, 16 के लिए क्या लिखेंगे 6, यहाँ से एक बचा, एक ऐड करिए, 3, 3, 4, 7, 6, 13, 13 में से 9 माइनस करिएगा क्या होगा 4, उसके बाद सैकड़ा, 1, 2, 3, 3, 6 में से 4 माइनस करिएगा 2, तो 246, तो वही काम हम डायरेक्ट कर लिए। अब इसके अलावा भिन्न भाग का क्रिया, तो 123 तो हटा लिए, तो अब इसमें क्या बचा है, 1/7 प्लस इसमें क्या बचा है भिन्न, अब 2/7 प्लस इसमें भिन्न क्या बचा है 3/7 माइनस अंतिम में 4/7, एलसीएम क्या होगा 7, सबका ऊपर वाला 1, 2, 3, 3, 6 में से 4 माइनस करिएगा 2/7, तो यही आया। तो इस चीज का क्रिया हमें डायरेक्ट कर लेना है, पूर्णांक का क्रिया एक साथ, भिन्न का क्रिया एक साथ, पुनः देख लीजिए, 3, 6, 9, 3, 6, 9, 9, 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, 16 के लिए लिखेंगे 6, हासिल 1, 1 हासिल बाद जोड़ दें, 3, 4, 7, 6, 13, 13 में से 9 माइनस करेंगे 4, सैकड़ा का 1, 2, 3, 3, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 246, और भिन्न भाग का क्रिया 1, 2, 3, 3, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, 2/7, हो गया क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरफ क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया, एक पहला क्वेश्चन आपका बच गया था, उसको भी देख लेते हैं, है ना, पहला क्वेश्चन आपका यह था, इसको भी देख लीजिए, पुनः वही काम करेंगे, पूर्णांक का क्रिया एक साथ, भिन्न का क्रिया एक साथ, तो पूर्णांक को जोड़िए, 1 और 1, 2 और 3, 5, तो पूर्णांक का योग तो 5 हो जाएगा, प्लस भिन्न भाग का क्रिया करिए, तो भिन्न में क्या बचा है 1/8 प्लस 6/7 प्लस 3/5, यही तो बचा है ना, तो इसका क्रिया एक साथ कर लीजिए। अब पूर्णांक में तो कोई परेशानी था नहीं, भिन्न में परेशानी है, तो एलसीएम ले लीजिए, 8, 7, 5 का एलसीएम, 8, 5, 40, 7, 280, ठीक है, ऊपर वाले को ऐड करिए, 8 से भाग करिएगा तो 7, 5, 35 बचेगा, प्लस 7 से भाग करिएगा तो 8, 5, 40, 6, 6, 24, 240 हो जाएगा, यही तो करिएगा ना, 7 से भाग करिएगा तो क्या बचेगा 8, 5, 40, 40 से 6 में गुना, 5 से भाग करिएगा तो 8, 7, 56, 168 हो जाएगा, सबको आप ऐड कर लीजिए, तो 5 प्लस इसको ऐड करिए, ऐड करिएगा तो 8 और 5, 13, 3 हासिल 1, 6, 1, 7 और 4, 11, 3, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 5 और 8, 13, 3 हासिल 1, है ना, 1 और 6, 7, 7, 4, 11, 11, 3, 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1, 2 और 2, 4, 443 बट्टा कितना आ गया 280 आ गया, ठीक है, आगे 5 और 5 है ना, प्लस इसमें से देखिए तो कुछ पूर्णांक निकलेगा, 1 बार 280 का पहारा तो सिर्फ हम 1 बार पढ़ सकते हैं, 280 एकम 280, ठीक है, 280 दुना तो ज्यादा हो जाएगा, अब शेष कितना बचा ऊपर में 163 बचा, तो इसके लिए हम इतना लिख लिए, 5 और 1, 6, अब दोनों पूर्णांक वाला को ऐड कर लीजिए, तो 6 पूर्णांक 163 बट्टा कितना आ गया 280 आ गया, तो 6 पूर्णांक 163 बट्टा 280, यह आपका इसका आ गया। तो करना यह है कि पूर्णांक को एक साथ ऐड कर लेना है और भिन्न को एक साथ कर लेना है।